नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। ये माना जा रहा है कि नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर, पार्टी में बदलाव को लेकर जो बात कही है, ये अशोक गहलोत को पसंद आ रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को पसंद आ रही है और अशोक गहलोत ने ये कहा, चलो बीजेपी में रहकर किसी ने तो साहस किया कांग्रेस के समर्थन को लेकर, कांग्रेस को आगे बढ़ाने को लेकर। दरअसल ये माना जा रहा है कि नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। माना जा रहा है कि क्या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं, क्या बीजेपी आलाकमान से नाराज चल रहे, क्योंकि नितिन गडकरी का अचानक कांग्रेस को लेकर इस तरह की बात करना, जबकि कांग्रेस जो है वो पांचों राज्यों में चुनाव हार रही है, हार चुकी है, उसके बाद भी देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में बीजेपी जो रणनीति बना रही है उन सबके विपरीत कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का ये बयान सामने आना, ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबक दिखता नजर आ रहा है। हालांकि नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर जो बयान दिया, इस पर बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, बीजेपी के किसी नेता ने कोई बड़ी बात नहीं की। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि फिलहाल देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अब अंदर खाने द्वेष दिखता नजर आ रहा, आपसी लड़ाई दिखती नजर आ रही है और जो आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है शायद इसका बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है, क्या वाकई बहुत बड़े स्तर पर चीजें बदलती नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल तो जो हालात है, फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये जरूर मानी जा रही है कि आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर चीजें जो है वो बदलती जरूर नजर आएंगी। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, क्या पार्टी को आने वाले समय के चुनाव में फायदा मिलेगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।